क्वेश्चन दिया गया है जीवों के वर्गीकरण में टैक्सोन का अर्थ है। तो टैक्सोन का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि जब हम किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। जब किसी प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन में हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे कि डिवीजन, किंगडम, इस तरह के हैं। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी प्लांट को उसके किंगडम के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको किंगडम के अंदर डिवाइड करेंगे। उसके बाद में हम अगर प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डिवीजन को, ठीक है, डिवीजन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फिर डिवीजन को आगे हम क्लासिफाई करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। इसको आगे और भी सब डिवीजन में भी डिवाइड किया जा सकता है, क्लास को सब क्लास के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह फिर हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर शब्द को। ऑर्डर के बाद में हम यहाँ पर लेंगे फैमिली, यानी कि उसी प्लांट को हम उसकी फैमिली के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में जीनस, और लास्ट में हम लेंगे स्पीसीज को, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज होगी, उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें, इसके अंदर ये जो किंगडम शब्द है, डिवीजन शब्द है, क्लास शब्द है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है, इनमें से हर एक को हम बोलते हैं टैक्सोन। क्या बोलते हैं, टैक्सोन। मतलब कि अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम भी एक टैक्सोन है, डिवीजन की बात करें तो डिवीजन भी एक टैक्सोन है, क्लास की बात करेंगे तो क्लास भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, इसी तरह फैमिली भी एक टैक्सोन है, जीनस भी एक टैक्सोन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, टैक्सोन है। अब हमारे पास में जो ऑप्शन है उसके आधार पर, ठीक है, इसको हम टैक्सोन बोले या इसको ही हम क्या बोलते हैं, रैंक। इसको ही एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, रैंक, ठीक है, रैंक, ध्यान रखना है बात। रैंक को हिंदी में बोलते हैं कोटि, ठीक है। टैक्सोन को हिंदी में बोलते हैं वर्गक, ठीक है, ये इस तरह से बोला जाता है हिंदी में, वर्गक, और रैंक को बोलते हैं कोटि। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रैंक, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम डिवीजन करते हैं तो उसको एक रैंक देते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोटि। जैसे हमने किंगडम में, किंगडम लिया तो प्लांट है, अगर प्लांट है तो प्लांट किंगडम में रखेंगे, एनिमल है तो एनिमल किंगडम में रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मान लो प्लांट किंगडम है तो फिर उसको हम क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे, डिवीजन के अंदर, सॉरी, डिवीजन के अंदर, ठीक है। और अगर वो एनिमल है तो उसको फिर फाइलम के अंदर, एनिमल है तो फाइलम के अंदर डिवाइड करेंगे ना, अलग अलग फाइलम होंगे एनिमल में। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज सेम रहेंगे, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो किंगडम हो, ठीक है, उनको उसी हिसाब से डिवाइड किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि समान प्रजातियों का समूह, समान प्रजातियों का जो समूह होगा वो कहलाएगा जीनस, यानी कि इस जीनस के अंदर जो भी प्रजातियां होंगी वो सेम स्पीसीज की होंगी, मतलब स्पीसीज को हम बोलते हैं प्रजाति, ठीक है। और जितनी भी प्रजातियां होंगी वो सब किस में रखी जाएंगी, जीनस के अंदर रखी जाएंगी, समान स्पीसीज जो होंगी वो जीनस कहलाएंगी, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर बनाया जीवों का समूह, जैसे किसी एक समूह के अंदर चार चार गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस ऑर्गेनिज्म में चार पाए जाते हैं, इसमें चार पाए जाते हैं, इसमें चार पाए जाते हैं, इसमें चार पाए जाते हैं, तो एक ग्रुप बना लिया हमने, ठीक है। इस ग्रुप को एक हम कैटेगरी दे देंगे, एक रैंक दे देंगे, ठीक है, तो क्या वो समूह हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है जीवों की किसी भी एक कोटि का समूह, किसी भी एक कोटि का समूह, तो यहाँ पर कोटि क्या है, रैंक है, तो इस रैंक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सबका समूह, ठीक है। समान वंशों का समूह, समान जीनस का समूह क्या कहलाएगा आपका, फैमिली कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह समान प्रजातियों का समूह क्या कहलाएगा आपका, जीनस कहलाएगा। तो यहाँ समान प्रजातियों का समूह तो क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, ठीक, क्योंकि यहाँ हम जीवों के वर्गीकरण में टैक्सोन का अर्थ मालूम कर रहे हैं, तो जीनस एक टैक्सोन है लेकिन हम इसको टैक्सोन नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम टैक्सोन नहीं कहेंगे, जीनस एक टैक्सोन है, समझ रहे हो बात, एक रैंक भी है और एक टैक्सोन भी है, लेकिन ये जो जीनस शब्द है, जैसे कि ये जीनस जो शब्द है ना, ये एक टैक्सोन है, न कि समान प्रजातियों का समूह एक टैक्सोन है, बात समझ में आ रही है। जीवों के किसी भी एक कोटि का समूह, जीवों की रैंक, जिसको हमने भी बोला, ये सेम बात हो गई, किसी भी एक कोटि का समूह, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई सी भी एक कोटि हो सभी एक प्रकार से क्या है, टैक्सोन ही है, ठीक है, ये किंगडम टैक्सोन है, डिवीजन टैक्सोन है, तो कोई एक कोटि हम सेलेक्ट कर ले, जैसे आपने डिवीजन कोटि को सेलेक्ट कर लिया, डिवीजन रैंक को, तो इसका मतलब आप किसी एक टैक्सोन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन समान प्रजातियों का समूह तो जीनस ही कहलाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर उसको हमें देखना है कि टैक्सोन है, क्या जीनस एक टैक्सोन है, तो बिल्कुल एक टैक्सोन है,
इसी तरह समान वंशों का समूह, समान वंशों का समूह कौन सा हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। तो फैमिली भी एक टैक्सोन है, ठीक है, लेकिन अभी इस भाषा के आधार पर, ठीक है ना, समान वंशों का समूह क्या कहलाएगा, फैमिली कहलाएगा, लेकिन एक टैक्सोन नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान रखनी, परिभाषा के आधार पर ये फैमिली तो होगा लेकिन एक टैक्सोन नहीं होगा। समान प्रजातियों का समूह एक जीनस तो होगा लेकिन टैक्सोन नहीं होगा। टैक्सोन क्या होगा, टैक्सोन होगा जीवों की किसी भी एक कोटि का समूह, ठीक है, यानी कि जीवों की किसी भी एक रैंक का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, आपका टैक्सोन कहलाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा इसका वो होगा 3, ये भी नहीं होगा। ये समूह हम बना सकते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं उसको, तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा 3 सही ऑप्शन। ओके, थैंक यू।